27 सितंबर 1931 लाहौर के न्यूज़पेपर द पीपल में एक ऐसे पब्लिश हुआ, वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये ऐसे शहीद आजम सन ऑफ द नेशन भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था। इस ऐसे में भगत सिंह ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर कई सवाल खड़े किए, यानी कि भगवान सच में है या नहीं। 1930 में फ्रीडम फाइटर बाबा रणधीर सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। रणधीर सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर काफ़ी कष्ट हुआ कि भगत सिंह भगवान पर विश्वास नहीं करते। जब रणधीर सिंह भगत सिंह से जेल में मिले तब उन्होंने भगत सिंह को भगवान के अस्तित्व पर विश्वास दिलाने की कोशिश करी, पर रणधीर सिंह असफल हुए और नाराज़ होकर भगत सिंह से कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। बाबा रणधीर सिंह के इस कमेंट के जवाब में ही भगत सिंह ने ये ऐसे लिखा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में भगत सिंह की एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की उपस्थिति से रिलेटेड आइडियोलॉजीज और विचारों को। भगत सिंह सबसे पहले कहते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और अहंकार भी मेरे स्वभाव का एक पार्ट है। यहाँ तक कि भगत सिंह के कई साथी उन्हें निरंकुश यानी ऑटोक्रेट कहते थे। भगत सिंह ने स्पेसिफिकली बटुकेश्वर दत्त का नाम लिया जो कभी कभी उनको ऐसा कहते थे। भगत सिंह आगे कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास रखता हो वो अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। तो भगत सिंह इसके दो रीजंस बताते हैं। पहला तो ये कि मनुष्य अपने ईश्वर को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगे, और दूसरा ये कि जब मनुष्य खुद को ही भगवान मानना शुरू कर दे। भगत सिंह के साथियों के अनुसार दिल्ली बॉम्ब और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान जो पॉपुलैरिटी भगत सिंह को मिली उसने भगत सिंह को घमंडी बना दिया। पर भगत सिंह कहते हैं कि मैंने भगवान पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अनपॉपुलर यंग बॉय था। दोस्तों, भगत सिंह अपने पिता सरदार किशन सिंह साधु जो कि एक आर्य समाजी थे उनके अंडर बड़े हुए, इसलिए वो कहते हैं कि एक आर्य समाजी और कुछ भी हो सकता है पर एक नास्तिक नहीं हो सकता। प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद भगत सिंह DAV स्कूल लाहौर के बोर्डिंग स्कूल में रहे, जहाँ मॉर्निंग इवनिंग की प्रेयर के अलावा वो घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप करते थे। बाद में जब भगत सिंह ने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया तब उनके पिता उन्हें रोजाना पूजा प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि उस समय तक मैं पूरा भक्त था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दिनों भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और यहाँ आकर उन्होंने रिलीजियस प्रॉब्लम्स और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जैसे टॉपिक्स पर सोचना, डिस्कस करना और उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बाद में भगत सिंह क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े। इस समय तक भगत सिंह खुद को रोमांटिक आइडियलिस्ट रेवोल्यूशनरी कहते थे, लेकिन फिर भगत सिंह ने स्टडी करनी शुरू करी कि जिससे वो अपोजिशन के साथ आर्ग्यूमेंट कर सके। स्टडी करने से भगत सिंह के माइंड में सीरियस आइडियाज़ डेवलप होने शुरू हुए और रियलिज्म यानी यथार्थवाद उनका आधार बना। भगत सिंह ने उस दौरान एनार्किस्ट लीडर बाकुनिन, फादर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स और लेनिन त्रासदी को खूब पढ़ा। बाद में भगत सिंह को निर्लम स्वामी की बुक कॉमन सेंस मिली और 1926 के एंड तक भगत सिंह को इस बात पर विश्वास हो गया कि एक सुप्रीम गॉड जिसने यूनिवर्स को क्रिएट, गाइड और कंट्रोल किया हुआ है, ये थोड़ी बेसलेस है। और इसके बाद भगत सिंह एक घोषित नास्तिक हो चुके थे। पर नॉर्मल डेज में नास्तिक रहना या खुद को नास्तिक कहना आसान है, नास्तिक होने की असली परीक्षा होती है कठिनाई के समय, जब कई नास्तिक लोग भी भगवान को याद कर ही लेते हैं। ऐसे ही जब भगत सिंह 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुए तो उन्हें रेलवे पुलिस लॉकअप में एक महीना काटना पड़ा। तब भगत सिंह के मन में विचार आया कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दम रखता हूँ, या ऐसे कठिन समय में भी मैं अपने सिद्धांतों पर खड़ा रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद भगत सिंह ने डिसीजन लिया कि वो भगवान पर विश्वास या उनकी प्रार्थना नहीं कर सकते, और इस परीक्षा में वो सफल रहे। भगत सिंह कहते भी हैं कि इस परीक्षा में खड़ा उतरना आसान काम नहीं था, क्योंकि भगवान पर विश्वास कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को हल्का कर देता है। दोस्तों, अपने इस लेख में आगे भगत सिंह आस्तिक लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो मुझे बताएं कि उसने ये रचना क्यों की, ये दुख और दर्द से भरी दुनिया जहाँ एक भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अब ये ना कहें कि ये उसका नियम है, अगर वह किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। भगत सिंह आस्तिकों से आगे कहते हैं कि ये भी ना कहें कि ये उसका मनोरंजन है, क्योंकि अपने मनोरंजन के लिए नीरो ने रोम जला दिया था जिससे काफ़ी दुख पैदा हुआ। ऐसे ही चंगेज़ खान ने अपने सुख के लिए कुछ हज़ार जान ले ली थी, और आज इन्हें हम एक हृदयहीन, निर्दयी और दुष्ट के नाम से पहचानते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो तुम कैसे अपने ईश्वर को न्यायोचित कह सकते हो जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इतने सारे दुख दे रहा है। इसलिए भगत सिंह आगे पूछते हैं कि आपके ईश्वर ने इस विश्व और मनुष्य की रचना क्यों की, आनंद लूटने के लिए, तो फिर उसमें और नीरों में क्या फ़र्क है। भगत सिंह आस्तिकों से आगे पूछते हैं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है, क्यों तुम्हारे ईश्वर ने
अंग्रेजों के दिमाग में भारत को आज़ाद कर देने की भावना पैदा नहीं की। आगे भगत सिंह इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है। उन्होंने हमको ईश्वर की मदद से बंदी नहीं बना रखा है, बल्कि बंदूकों, बम, गोलियों और पुलिस की सेना के सारे बंदी बना रखा है। भगत सिंह इस लेख में विश्व और मनुष्य की उत्पत्ति को भी डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ वे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी देते हैं। बाद में भगत सिंह कहते हैं कि आप एक बचकाना प्रश्न भी पूछ सकते हो कि यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे। इस प्रश्न का जवाब भगत सिंह काफ़ी अच्छे से देते हैं। वो कहते हैं कि विश्व के हर हिस्से में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, जिसकी फिलॉसफी वेल डेवलप्ड है, और इसका क्रेडिट वो उन एक्सप्लोरर्स को देते हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने पावर के अंडर रखना चाहते थे, और साथ ही लोगों से ये भी चाहते थे कि उन्हें विशेष स्थान दिया जाए। भगत सिंह भगवान में विश्वास और रोज़ाना भगवान की पूजा करने को मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरावा काम मानते थे। आखिर के दिनों में उनके दोस्तों ने उन्हें प्रार्थना करने को कहा तो भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इसे भ्रष्ट और स्वार्थी काम मानते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, क्योंकि आखिर में उसका मकसद ईश्वर से कुछ मांगना ही होता है। तो दोस्तों, ये भगत सिंह का अहंकार नहीं था जिसने उन्हें नास्तिक बनाया, बल्कि उनके सोचने के तरीके और उनके अपने तर्कशील विचारों ने उन्हें नास्तिक बनाया, जिसे गलत प्रूफ कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि सबका सोचने का तरीका और विचार अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम अपने तर्कों के माध्यम से गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के विचारों को ज़बरदस्ती बदल नहीं सकते। यदि वो हमारे तर्कों से प्रभावित होकर खुद के विचारों को बदल ले तो वो अलग बात है। तो दोस्तों, आप भगत सिंह के इन विचारों से कहाँ तक सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो सवाल भगत सिंह ने पूछे, अगर आप उनका जवाब देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।